नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं DHFL के बारे में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या लगता है 17 नवंबर को जो कोर्ट में हेयरिंग होने वाली है DHFL के बारे में, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या कोई चांसेस है कुछ मिलने का, या फिर से करना होगा निराश हर बार की तरह। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स ट्रेड। लोगों ने भी बाय किया होगा उस दिन या डीलिस्टिंग से पहले, जिसने भी बाय किया होगा, वो जो निकल नहीं पाए होंगे इस शेयर से, वो आज खून के आंसू रो रहे होंगे। क्योंकि अभी पिछले 10 दिनों से लगभग सभी रिटेल इन्वेस्टर को एक मैसेज जा रहा होगा, शायद आपको भी आया होगा, कि उनका DHFL का शेयर डेबिट हो गया है और पोर्टफोलियो में दिख भी नहीं रहा होगा। आपने स्टेटमेंट में चेक कीजिएगा तो वहां डेबिट हो गया होगा और कुछ पैसे क्रेडिट भी नहीं किए गए होंगे। तो मतलब हाथ में बस बचा क्या, जीरो। मतलब सब कुछ चला गया। पहले तो एक होप भी थी कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, मर्ज होगा तो शायद पीरामल का ही कुछ शेयर हमको अलॉट किया जाएगा, कुछ होगा ऐसा, कुछ सिस्टम बनेगा। लेकिन नहीं, अभी सभी को मैसेज किया होगा कि डेबिट हो चुका है, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो गए होंगे उस शेयर की वजह से। मुझे ज्यादा खराब इसलिए नहीं लग रहा कि पोर्टफोलियो से शेयर गायब हो गए हैं और कुछ मिला भी नहीं। खराब इसलिए लग रहा है कि कंपनी अभी भी रनिंग में है, कंपनी अभी भी टाइप कर रही है, DHFL और पिरामल का टाइप हो रहा है, मर्ज हो रहा है, कितने करोड़ रुपए पे किए DHFL को, सभी कुछ चल रहा है कंपनी में। आग सभी कुछ चल रहा है कंपनी में, आग तो नहीं लगी ना कंपनी, बर्बाद तो नहीं हुआ ना, कोई सुनामी तो नहीं आई कंपनी में, कोई भूकंप तो नहीं आया कंपनी में, टूट फूट तो नहीं गया, सभी लोग मर तो नहीं गए, कुछ नहीं हुआ ना। बस लोन लिया था मैनेजमेंट ने, उसको चुका नहीं पाया मैनेजमेंट, इसी वजह से कंपनी डिलिस्ट हुई थी। उसमें हमारी क्या गलती है? मैनेजमेंट पूरा अय्यासी किया उस पैसे से, आज उसकी सजा हम क्यों भुगत रहे हैं? मेरी सेवी से बस यही रिक्वेस्ट है, एक ऐसा नियम लाए कि अगर शेयर डिलिस्ट होता है बैड बिहेवियर और परफॉर्मेंस की वजह से, तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। हर उस आदमी को जिसने प्राइस पे शेयर मिलना चाहिए, जितने प्राइस पे भी शेयर लिस्ट हुआ है ना, उस प्राइस पे शेयर मिलना चाहिए हर एक इंसान, हर एक रिटेल इन्वेस्टर को जब डीलिस्ट हो। क्योंकि गलती हमारी नहीं, गलती उस मैनेजमेंट की है, उसकी वजह से डीलिस्ट हुआ है, हमारी वजह से तो डीलिस्ट नहीं हुआ ना। तो हम क्यों अपने पैसे बर्बाद करें, हम क्यों लॉस में जाएं, हमें तो पैसे मिलने चाहिए ना। वरना ऐसे में मैनेजमेंट कुछ भी फ्रॉड कर सकता है, ऐसा ही हुआ। मुझे आप बताओ, क्या DHFL के ऑनर भीख मांग रहे हैं रोड पे? नहीं ना। तो रिटेल इन्वेस्टर का अकाउंट जीरो क्यों हो गया? DHFL का ओनर और मैनेजमेंट क्यों नहीं भीख मांग रहे हैं रोड पे? वो आज भी अय्याशी कर रहे हैं, अपने फ्लैट में सो रहे हैं, मजा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एयर नंबर 5 स्टार होटल में बिता रहे हैं, होंगे टाइम अपना, सब कुछ कर रहे हैं, जीरो हमारा अकाउंट हो रहा है। मतलब गजब का नियम बन गया है, गलती करे कोई और सजा भुगते कोई और। अगर खाना मैं नहीं खाऊंगा, सपोज कीजिए अगर खाना मैं नहीं खाऊंगा तो मरेगा कौन? मरूंगा तो मैं ही ना भाई, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। मेरे दोस्त या मेरे फैमिली वाले तो नहीं मरेंगे ना मेरी वजह से। मैंने खाना नहीं खाया, मैं मरूंगा। मैंने लोन पे नहीं किया, मैं भुगतूंगा सजा। मैं दिवाली आऊंगा, मैं रोड पे भीख मांगूंगा। आप क्यों, मेरा अकाउंट जीरो क्यों होगा? क्यों शेयर मार्केट में ऐसा उल्टा चल रहा है नियम? ऐसा नहीं चलेगा। बस सरकार के पास टाइम है नोटबंदी करने का, GST लगाने का, स्टेडियम का नाम बदल दो रातों रात। अरे घंटा होता है उससे, 400 रुपए का LPG 900 रुपए पर चल रहा है, 80 रुपए का पेट्रोल 100 के पास चल रहा है। मतलब कुकिंग ऑयल, दाल, सोयाबीन, आलू, प्याज, टमाटर सभी एक साल में 3 गुना बढ़ चुके हैं। कितनी कंपनी डिलिस्ट हुई है इस साल? 4 से 5 कंपनी डिलिस्ट हुई है, कितने लोगों के पैसे डूब चुके हैं उसमें। लेकिन सरकार के घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। मैं तो बोलता हूं मां चुदा ऐसी सरकार जो जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। खुद घूमो, खुद मजा करो, उनको क्या पता कि आलू चावल प्याज का क्या दाम चल रहा है? उनको क्या, उनको घंटा फर्क पता चलेगा कि रिटेल यूनिवर्सिटी कहां पैसा लगाया, अब कौन सा शेयर डिलिस्ट होने से उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो सैलरी मिल रही, काला धन मिल रहा है, गांड में दबा रहे हो।
2000 के बाद सरकार ने काउंटिंग नहीं करवाई कितने परसेंटेज लोग जॉबलेस है इंडिया में, उन्हें बस देश विदेश घूमना है। मां चुदाए ये लोग। देखो यार, पैसे तो गए सबके, ये तो क्लियर है सबके गए पैसे, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिलेगा। अब लास्ट होप यही है कि 17 नवंबर को शायद कोर्ट कहीं पिरामल को बोले कि जब आप मर्ज कर रहे हो, कंपनी को बना बना रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, तो आपका हक बनता है कि आप जिस भी DHFL के शेयर धारकों को आप कुछ न कुछ जरूर दीजिए, ताकि आप उस कंपनी को मर्ज कर रहे हो। आप अपने पिरामल का ही शेयर ही दे दें, लेकिन कुछ तो दे। बस ऐसा हो सकता है अगर उस दिन अगर कोर्ट में अगर कुछ हुआ तो। तब तक क्या कर सकते हैं, बस होप ही रख सकते हैं, हमेशा रखते आए हैं। एक होप और रख लीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए, मैं तो बोलता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। YouTube का यही नियम है कि ज़्यादा लाइक कीजिएगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो वीडियो को शेयर करें या लाइक करें ताकि ये वायरल हो वीडियो, अब वीडियो पहुँचे सेबी और सरकार के पास, तभी जाकर कुछ एक्शन होगा, देखने को मिलेगा, हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो लाइक करें या शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।